नमस्ते, हमारे YouTube चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आज हम चले हैं ब्रेड रसमलाई बनाने। दिखाते हैं हम क्या क्या सामान लिए हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं, ये 3 स्लाइस ब्रेड लिए हैं, थोड़ी सी चीनी ले लिए हैं, केसर लिए हैं। ये ब्रेड हम इसको कट कर रख दे रहे हैं, इस साइड पे इसको हम निकाल दे रहे हैं, थोड़ा काला हुआ है। इसको छोटा छोटा ऐसे पीस इस तरह कर लेंगे। गैस हम जला ले रहे हैं, इस पे हम दूध रख के थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे। ब्रेड रसमलाई आप लोग भी इस तरह बनाइएगा, आसान रहता है, जल्दी बन जाता है, अब बच्चों को पसंद आता है। दूध खौल रहा बढ़िया, देखिए। अब इसमें हम जो चीनी लिए हैं, ये चीनी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें जो ड्राई फ्रूट करके रखे हैं पिस्ता उस्ता इसमें डाल देंगे। इसमें जो खाने वाला कलर आता है उसको भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं, हम केसर डालेंगे, उससे भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। लड्डू ना डालते हैं खाने वाला कलर। इसमें पिस्ता डाल दे रहे हैं, काजू भी थोड़ा सा। ड्राई फ्रूट के सामान मतलब कम बनाना था, हम कम कम लिए हैं, थोड़ा सा काजू डाल दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए केसर डालेंगे। केसर से कलर आ जाता है ऐसे ही, इससे कलर देखिए आ गया है। ये दूध गाढ़ा हो गया, इसको हम इसको उतार रख रहे हैं डाल के, और ये पैन रख दिया पैन पे। ब्रेड जो कट किए हैं ना उसको हम फ्राई करेंगे, बहुत धीमी आंच पर पैन जो है गरम करेंगे। हो गया थोड़ा सा ब्रेड का, से इसको ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, कुरकुरा आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह पलट पलट के हल्का सा। इसमें तेल घी कुछ नहीं लगाना, ना बटर लगाना, कुछ नहीं लगाना है, केवल इसी तरह सेकाई करनी है इसको। इसको बहुत ब्राउन नहीं करना है, बहुत हल्का सा, मतलब थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन आ जाए बस, उससे ज्यादा नहीं करना है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये कभी मीठा खाना हो इस तरह बना के जल्दी हो जाता है, खा सकते हैं। हो गया ये अच्छे से, इस गैस को बंद कर देंगे। एक बाउल में इसको हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं कि बाउल है इसी में हम जो हम ब्रेड बना के रखे हैं, दूध ये जो गाढ़ा किए हैं बनाए हैं, ऊपर से ये हम इसको डालेंगे इसमें बाउल में जो ब्रेड रखे हैं। देखिए इस तरह के इसमें केवल केसर इसमें डाले थे, कोई कलर नहीं डाले थे हम। दूध ब्रेड का रसमलाई बन तैयार हो गया है, अच्छे बने हैं। आप इसको जरूर ट्राई करिए, बनाइए, बच्चों खिलाइए, खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।